हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। पिछले वीडियो लिंक में हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण बताया था, जिसमें हमने प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और टर्शियरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। प्राइमरी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था उसका कार्बन क्या था? 1,0। सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कार्बन क्या था? 2,0। और टर्शियरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कार्बन क्या था? 3,0। प्राइमरी आपका एल्कोहल जो था उसका फंक्शनल ग्रुप क्या था? सिंगल बॉन्ड CH2OH था। और द्वितीयक एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या था? सिंगल बॉन्ड CHOH। और टर्शियरी एल्कोहल का क्या था? सिंगल बॉन्ड COH था। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहलों में समावयव यावर। एल्कोहलों में समावयव अवस्था यानी आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि समावयवी और समावयवता क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखें कि समावयवी किसे कहते हैं। समावयवी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र क्या होता है? समान होता है, लेकिन उसका बनावटी सूत्र या संरचना सूत्र अलग अलग होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, परंतु उनकी संरचना सूत्र या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अणु सूत्र एक जैसे, रचना सूत्र अलग अलग, और संरचना सूत्र अलग होने के कारण संरचना सूत्र अलग अलग होने के कारण ऐसे यौगिकों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग आते हैं। ऐसे यौगिकों के आपके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक समावयवी कहे जाते हैं। और अणुओं क्या? यह गुण है ना, क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। अणुओं का यह गुण क्या कहेगा? समावयवता, या क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब आपका एल्कोहल में समावयवता हम देख रहे हैं, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 क्या हो गया? OH, ठीक है। अब ये समावयवता किसके साथ दिखाते हैं? एल्कोहल के साथ समावयवता दिखाते हैं, या इसमें एल्कोहल और ईथर, ठीक है। तो एल्कोहल एवं ईथर के अणु सूत्र क्या होते हैं? समान
होते हैं परंतु इनकी संरचनाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे अब यहाँ से क्या हो गया सी एन एच टू एन और एच कितना हो गया, एच कितना हो गया आपका एक प्लस एक, तो क्या हो गया सी एन एच टू एन और ये हो जाएगा प्लस टू और क्या हो गया ओ टू हो गया। तो इसका सामान्य सूत्र हो गया एल्कोहल का सी एन एच टू एन प्लस टू और क्या हो गया ओ हो गया। ठीक है, अब इनका आप क्या कर लो कुछ अणुओं के, जैसे यहाँ पे आप क्या ले लो अणु सूत्र, और अणु सूत्र आपका कितना दे रहा है C2H6O। देखो क्या हो गया सी एन एच टू एन प्लस टू, दो दुने के चार, चार दो छह ओ। अब इसकी जो है आपकी समावयवी क्या बन जाएंगे, एक तो इसका समावयवी बनेगा क्या बनेगा सी टू, ये आप ले लो सी एच थ्री सी एच टू हो जाए। देखो कार्बन कितना एक एक दो, हाइड्रोजन कितना तीन दो पांच एक छह हो गया। तो एक समावयवी इसका क्या हो गया, ये हो गया एथिल एल्कोहल। दूसरा इसका क्या आता है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, तो इसका भी कितना हो गया एक एक दो तीन तीन छह ओ। ठीक है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह आपका क्या जुटा है एल्कोहल जुटा है, और यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या जुटा है इथर जुड़ा है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह समय बताओ गई, पहले उदाहरण में क्रियात्मक समूह क्या सिंगल बॉन्ड OH तथा दूसरे उदाहरण में क्या है क्रियात्मक समूह क्या है सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है ईथर। तो क्रियात्मक समूह में अंतर होने के कारण क्रियात्मक समूह में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या आते हैं अलग अलग आते हैं, इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या आते हैं अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो ये कौन सी समावयवता दिखाता है फंक्शनल ग्रुप आइसो क्रियात्मक समूह समावयवता दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसो क्या कहलाती है मेरिज्म कही जाती है। तीसरा आपका दे रहा है C3H8O, पहला तो एग्जांपल ये दिया, दूसरा क्या दिया C3H8O। देखो क्या हो गया CN H2N plus 2 तीन दुना के छह दो आठ। तो इसका समावयवी क्या बन जाएगा, एक इसका समावयवी आपका बन रहा है नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, और नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल में क्या हो जाएगा CH3CH2CH2OH एक दो तीन तीन दो पांच दो सात एक हो गया, ये आपका बन गया नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। यहां से आपका दूसरा बनेगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का हो गया CH3 का ट्वाइस CHOH कई कार्बन दो दो एक तीन, हाइड्रोजन कितना तीन दुना के छह सात एक आठ, ये आपका क्या बन गया आइसो प्रोपिल एल्कोहल। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। अगला आपका बन रहा है एथिल मेथिल इथर, एक और इसका बन रहा है आपका CH3O क्या हो गया C2
एच फाइव तो कई कार्बन, दो एक तीन, हाइड्रोजन कितना, पांच तीन आठ और ओ इधर ग्रुप, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, एथिल मेथिल, क्या हो गया इथर। आईपीसी नाम क्या होगा, मेथॉक्सीएथेन एल्कोक्सी एल्केन, क्योंकि जिसमें कार्बन की संख्या जाती है और ज्यादा होती है उसको एल्केन बनाते हैं, तो इसका आईपीसी नाम हो गया इसका मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, मेथॉक्सी एथेन। जनरल में इसको आईपीसी के लिए क्या लिखते हो, एल कॉक्सी एल्केन, जिसमें कार्बन की संख्या कम है क्या बनाते हो, एल्कॉक्सी बनाते हो, और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है वो क्या बनाते हो, एल्केन बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने समावयवी, नंबर एक, नंबर दो और कितना हो गया नंबर तीन, यहाँ पे कितने बने, दो बने, ठीक है। अगर हम चार ले लें तो चार में कितने बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल दिखा दोगे और ये समझ में आ गया होगा कि एल्कोहलों में समावयवता कितने तरह की होती है। तो कई तरह की होती है, एक पोजीशन समावयवता होती है, एक फंक्शनल ग्रुप समावयवता होती है, एक मध्यावयवता होती है, एक चलावयवता होती है, एक प्रकाशिक समावयवता होती है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, तमाम तरह की समावयवता कक्षा 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब अगले वीडियो लिंक में हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की, है ना, सामान्य विधियों का वर्णन करेंगे, उसके बाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे किस तरह से प्रयोगशाला में, किस तरह से इंडस्ट्रियल मेथड्स में, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही, उससे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज बाय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन द टॉपिक्स मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। थैंक्स, जल्दी कीजिए।